हे गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आपको भी किसी का व्हाट्सएप स्टेटस इतना पसंद आ जाता है कि आप उसे अपने स्टेटस पर लगाना चाहते हैं, लेकिन आप उससे मांग भी नहीं सकते और आप उसे डाउनलोड भी नहीं कर सकते। तो आप परेशान मत होइए, मैं उसके लिए लाया हूँ एक ईजी तरीका जिससे आप व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलो चलते हैं अपने फोन स्क्रीन पे। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने फ़ोन स्क्रीन पर और यहाँ से हम चलते हैं पहले व्हाट्सएप पर। ओके, यहाँ से हम चेक करेंगे किस किस ने स्टेटस लगा रखा है। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको ओपन करा तो ये देख सकते हैं आप स्टेटस है। ओके, फिर यहाँ से अब हम चलते हैं बैक। ओके, तो यहाँ से हम चलेंगे अब कहाँ पे, हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर से अब हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ दिख रहा है शो हिडन फाइल, तो इसको हम कर देंगे ओपन। ओके, इसको हम यहाँ से अब चल देंगे हम व्हाट्सएप पे। ओके, ये व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के अंदर हम आए तो यहाँ पे हमें दिख रहा है मीडिया फाइल। ये मीडिया फाइल है, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ से ऊपर आ रहा है डॉट स्टेटस, तो जो हमने वहाँ से ओपन करा था उससे जो डॉट वाली फाइल जो हाइड रहती है वो ओपन हो जाता है। तो ये जो हमें दिख रहा है डॉट स्टेटस, इसमें सारे व्हाट्सएप के स्टेटस है। और इसके अंदर हम अभी जाके यहाँ से हम देख सकते हैं, हमने जो वहाँ पे स्टेटस देखा था वो वाला हम यहाँ पे भी देखेंगे। ये स्टेटस था, अब इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं यहाँ से बैक। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, प्रेस करे रहेंगे। यहाँ से दिख रहा है सेंड, सेंड पे हम जाएंगे। यहाँ पे कॉपी टू फाइल आ रहा है, तो इसमें हमें इंटरनल में करना है या एसडी कार्ड में, तो मैं एसडी कार्ड में करता हूँ। एसडी कार्ड में जाके मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर आगे मैं बिडमेट के डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ। ये मेरा अभी खाली है, इसमें मैंने कर दिया पेस्ट। अभी वो हमारा डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होके इस फोल्डर में आ गया है। अब यहाँ से हम बैक चलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको प्ले एमएक्स प्लेयर पे। एमएक्स प्लेयर पे हम आ गए। अब यहाँ से देखते हैं हम उसे। तो पहले हम जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड के फोल्डर में। ओके, ये हमारा डाउनलोड का फोल्डर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा डाउनलोड हो चुका है वो स्टेटस। ओके, ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो ये वीडियो यहीं तक था, यहाँ से आप समझ गए होंगे आपको कैसे। तो इसमें उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।